हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4 बजे, क्योंकि मुझे जाना है ट्रैवल पे अपनी फ्रेंड की शादी में। तो मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी क्योंकि मैं आज से पहले कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठी। तो उठ के सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपना फेस वॉश। मैं वॉइस बाद में एडिट कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे मेरी रूममेट्स सो रही थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उनकी नींद भी ख़राब ना हो जाए। और सुबह सुबह मुंह धोना यार 4 बजे, वो भी ठंडे पानी से, बहुत ठंडा लगता है यार। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मेरे को ठीक 4 बजे कॉल कर दी थी कि उठ जा, 5 बजे बस आने वाली है। तो फिर मैं इतनी जल्दी उठ गई। फिर कर लेते हैं सबसे पहले अपना फेस वॉश। फेस वॉश कंप्लीट होने के बाद देखो, अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी की एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से नींद आना भी बंद हो गई थी, तो मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ। वैसे मैं कभी इतना जल्दी उठती नहीं हूँ। तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लेते हैं, फिर निकलना है मुझे। और वॉइस एडिट में मैं इतने दिनों बात कर रही हूँ, ऊपर से उसकी शादी के आने के बाद मैं सीधा बीमार हो गई हूँ। मेरे गले की बैंड बजी हुई है, जुकाम है, सिर दर्द है, सब कुछ है। मैंने सोचा कि व्लॉग तो एडिट कर ही लेते हैं। तो इतनी मैं बोल रही थी कि इतनी एक्साइटमेंट अपनी शादी की नहीं होती जितनी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी की होती है। इतना फेस वॉश मैंने घस घस के कभी नहीं किया जितना उसकी शादी में जाने से पहले कर रही हूँ। सुबह सुबह उठ के ट्रैवल करना था, मे बी 7-8 घंटे का रास्ता था, तो उस बीच में कंफर्टेबल मुझे ये लगा पहनने के लिए। और सुबह के बज रहे थे 5:30-6 आई थिंक, क्योंकि लाइट आ गई थी। बड़ा फनी वीडियो, कुछ लोग कभी कभी कुछ लोग रैंडम ऐसे हेल्प करते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि अंकल बैग दिया था मुझे, बस मुझे बैग उठा के थे। और ये हम बैठ गए सुबह की बस में, स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। इतना ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं पहुँच गई हमीरपुर। और भाई ले आया था क्योंकि उसको कॉलेज भी आना था, तो उसके बाद जाना था। तो ये हमीरपुर बस स्टैंड है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, तो सब अच्छे अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मिले हमें मेगा के चाची जी, क्योंकि ये भी थोड़ा बात करते थे शॉपिंग वगैरह करने। तो इसके बाद हम काफ़ी दूर था यार, तो फाइनली जिसका इंतजार था मैं पहुंच गई हूँ। अभी बज रहे हैं 3:30 और पूरा दिन ट्रैवलिंग में चला गया है। और हाय ब्राइड हमारी, जल्दी जल्दी आई हो। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ 7, 8, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सब सब थोड़ी देर में बढ़ाते पर। ठीक है आज भी तो खुद काटी हो उसको, ये हाँ पीछे से धेड़नी पड़ेगी। जरूरी नहीं है जैसे कर देने, चार्जर रखी हो कहीं? ये आईफोन वाला चार्जर है,
ना आईफोन ही है मेरे पास। क्यों? अच्छा मैंने ना कभी जुल्टी पहन ली, कुछ को बात नहीं, खोलूंगी मैं कुछ ना तो आप तो ये सबसे पहले करनी है इसकी वैक्स, क्योंकि इसने अभी तक वैक्स नहीं करवाई है। ये भी इसने मेरे लिए ही रखी थी कि जब मैं आऊंगी तो करूंगी। इसमें तो मजा आएगा पहले। मुझे पहले इतने देर से देखते हैं ना। आज तो मेरे को आपने कॉल की यार, क्या बात है। लाड़ी है तू होने वाली मेरे को। मुझे लेकर स्टार्ट कर जल्दी कर दो ना। ओ यम्मा। हेलो। हाँ है तेरे पास लगाने के लिए क्रीम को। तूने गुलाब स्टार्ट किया। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और अभी हम लोग मेघा के मामा को और चाची को मेहंदी लगा के फ्री हुए। यार ये कोमली कोमल तो भाग गई। और मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन दिखा देती हूँ क्योंकि अभी ही डेकोरेशंस कंप्लीट हुई है, तो इतनी रात को तो वैसे क्या ही दिखेगा ना, सुबह दिखेगा सही से। चपाती हुई लाइट्स। मेरे फोन का कैमरा बहुत टीचर है यार, विश्वास नहीं हो रहा मेरे घर की शादी हो रही है। हो जाएगा जब जिसने आज मुंह भी नहीं धोया क्योंकि हमने इसको इतनी बार बोला कि मुंह तो धो ले, इसमें कि नहीं बोले फेस बोले डायरेक्ट फेशियल कराऊंगी। ऐसी भी होती है ब्राइड, एक दुल्हन ऐसी भी टावल लेके घूम रही है। और ये मेघा का कमरा, ये मेरा नहीं है पर मिला है मेरे को आजकल। थोड़ी बस पहली है बता, तूने अभी फेशियल कराना है? हाँ अभी करना है फेशियल। यार नहीं अब ठंड लगी यार, रख शो देख ले तब, नहीं तो अगर इसने फेशियल करना तो फिर मैंने नेल एक्सटेंशन कर देने। कर देने अभी देख ले, गर्म पानी लाती हूँ तब गीजर से। तुम देखो नींद तो नहीं आ रही मेरे को? तो नहीं आ रही, नींद तो आ रही है पर चल तब कर लेते, फिर कल ना मैं आराम से उठूंगी। चल तो मैं गर्म पानी लाती हूँ, कोमली को पूछ ले बाकी। कोमल कर देगी? हाँ देख लो आप अपने से कंफर्टेबल। तो फिर यार फिर कल का पता ही नहीं है, अब टाइम लगेगा। और कुछ ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो खुद भी नहीं सोती और हमें भी नहीं सोने देती हैं। अब हो रही कि मैडम का नेल आर्ट करो और फेशियल करो और फेशियल करो और खुद आराम से सोई हुई है ऐसी ब्राइड। बेटा अगर हम आज इतना लेट सो रहे हैं, हम कल कितना लेट सोएंगे? फिर तो हम डांस करते हुए आधा परोधा, बाकी चीज़ें रह गई। अब ये चीज़ें हम बाकी सुबह करेंगे कॉम्प्लीट। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग।